मरीज को ले गए थे उपचार के लिए, तो क्या दिक्कत आई एम्बुलेंस में? कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी, ना कुछ पल्स मॉनिटर था, ना कुछ था, ना एक सुई भी नहीं थी, एक नेडल भी नहीं थी एम्बुलेंस में। हमने बोला भैया तकलीफ हो रही है, भाई साहब आगे बैठे थे जो भी डॉक्टर थे या कौन थे हमको तो पता नहीं, या कौन किसी को सरकार ने बैठाया था, कोई सुविधा नहीं थी। भाई की जान चली गई, लेकिन वो भी जैसे मतलब पीछे आ नहीं पाया, आगे बैठा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा इंजेक्शन भी नहीं लगाया। हमने पूछा ये लगा तो बोले कुछ सुविधा नहीं है, बोले एम्बुलेंस में ना कोई इंजेक्शन है रखा रहता है, बोले ना कोई सुई है, ना कोई सुविधा है, बोले भैया ये तो आपको इंदौर जाके ही सब इलाज होगा, बोले आपका यहाँ एम्बुलेंस में कुछ इलाज नहीं होगा, बोले। और भाई तड़पता रहा, लेकिन कुछ ना कोई सुविधा नहीं थी, मतलब खांसी आ रही है तो सर थोड़ा देख लीजिए। तो सर ने बोला कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, बोले आप उधर चले जाइए। क्या हो गया था आपके भाई को? भाई को मतलब साइड फ्लू, मतलब जैसे खांसी सर्दी हो रही थी और घबराहट थी एकदम हो रही थी और ठंडा पसीना आ रहा था। और क्या हुआ? और मरीज क्या है?